मृदा प्रतिक्रिया का अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण, मृदा प्रतिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। तो ये सबसे पहला टॉपिक प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति। इसमें देखिए कोलाइडी जटिल के विनिमय वस्तु तथा कोलाइडी जटिल के विनिमय, कोलाइडी के विनिमय वस्तु तथा अधिशोषित तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम एल्युमिनियम के आपेक्षिक अनुपात को के आपेक्षिक अनुपात को प्रतिशत में संतृप्ति अनुपात को प्रतिशत संतृप्ति कहते हैं। प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। देखिए पहले मैंने लिखाया प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है कि कोलाइडी जटिल के विनिमय वस्तु तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम के आपेक्षिक अनुपात को प्रतिशत बेस संतृप्ति कहते हैं। कल भी हम लोगों ने यही तो भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो आपकी कोलाइडी जटिल के विनिमय वस्तु क्या है आपका, एक तो वस्तु, तो वस्तु जो है आपके वो क्या है, जैसे OH माइनस, क्या है आपका OH माइनस, तथा अधिशोषित हाइड्रोजन तथा एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन आयन को ए धनायन है, धनायन है या ये धनायन, तो प्लस आपके जो H+ जो आयन है या आपके N3+ जो आयन है, ये क्या नाम से ठीक है, तो इनके प्रतिशतता जो है आपके OH- और H+ और Al3+ की प्रतिशतता जो है यही आपके क्या कहलाएगी बेस, आपके अनुपात को प्रतिशत बेस संतृप्ति के तहत इनका अनुपात आपका क्या कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा प्रतिशत बेस संतृप्ति आपके कहलाएगी, ठीक है। ये बात थी इसके अंदर। अब ये कहता है कि भैया आपकी जो बेस संतृप्ति जो है क्या है, बेस आपके संतृप्ति जो है वो क्या है, यदि आपके कम है, बेस संतृप्ति क्या है आपकी कम है तो विलयन कैसा होगा अम्लीय, क्योंकि OH- आयन की संख्या क्या होगी कम होगी, तो H+ आयन की संख्या क्या होगी ज्यादा, तो ये क्या होगा अम्लीय, क्या होगा यदि विलयन अम्लीय होगा। तो किसी तरह से बेस संतृप्ति जो है, बेस संतृप्ति क्या होगी अधिक होगी, क्या होगी बेटा जी अधिक है तो विलयन क्या होगा आपके क्षारीय, विलयन क्या होगा आपके क्षारीय होगा, मतलब क्षारीय विलयन क्या होगा सॉरी क्षारीय विलयन क्या होगा कि आपकी जो ये OH में OH प्लस और आपके Al3+ प्लस आयन है इनकी मात्रा क्या होगी कम, और आपकी जो OH माइनस क्या होगी इनकी मात्रा क्या होगी आपकी ज्यादा,
क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दोनों मुकाबले में वे संतृप्ति कम और वे संतृप्ति अधिक है तो क्षारीय, वे संतृप्ति कम है तो अम्लीय। हाँ, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उदासीन नहीं होती क्या। अब यदि मान लो, चलो उदासीन लिख लो, यदि बे संतृप्ति संतृप्ति व अम्लीय संतृप्ति क्या हो, बराबर हो, क्या हो दोनों ही बराबर है तो ये स्थिति होगी आपके 7.0। तो क्या हो जाएगा आपके उदासीन, क्या हो जाएगा जी, उदासीन आपके हो जाएगा। ठीक है, मिसिल की प्रकृति, मिसिल की प्रकृति या आप लोग कॉम्प्लीट लिख सकते हो मिसिल, कॉम्प्लीट लिख सकते हो मिसिल, मिसिल की प्रकृति। इसके लिए विभिन्न पोलाइनी पदार्थ, विभिन्न पोलाइनी पदार्थ पदार्थों की मृदा विलयन को, पदार्थों की मृदा विलयन को H प्लस आयन, H प्लस आयन देने की क्षमता, देने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है इसी कारण पीएच का मान, पीएच का मान बदलता है, पीएच का मान बदलता है। पीएच का मान बदलता है। तो देखो बेटा जी क्या है यहाँ पर आपके देखना कि क्या नाम से विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की मृदा विलयन को H+ आयन देने की जो क्षमता जो है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की क्या है, आपके जो कोलाइडी जो पदार्थ जो है इनके H+ आयन देने की प्रवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग अलग इनकी मिलती है। और इसी कारण से यदि मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसे है, कोलाइडी पदार्थ आपके ऐसे है जो OH- आयन आपके ज्यादा देते हैं, ठीक है, और कोई कोलाइडी पदार्थ ऐसे जो H+ आयन आपके ज्यादा देते हैं या आपके OH- आयन कम देते हैं, तो इनके आधार पर ही जो आपके pH का मान जो है वो क्या होता है, हमेशा परिवर्तित होता है। क्या होता है, pH का मान परिवर्तित होता है। जिस तरीके से मैं कहूँ कि जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहां का पानी जो है वो क्या है, मीठा है, बट कोई मेरा ये साथी जो है वो जहाँ रहता है उस एरिया का पानी कैसा है, खारा है, कैसा है, खारा है। अब क्यों है, क्योंकि मेरा ये अभी भी ध्यान रखना कुएं में या बोरवेल में जो पानी जाता है वो मृदा से छनकर ही जाता है, जो पानी जो है वो मृदा से छनकर ही नीचे जाता है। अब मृदा क्या है, आपके मृदा के अंदर कोलाइडी विलयन बनाएंगे। अब ये कैसे कोलाइडी विलयन बनाते हैं, किस प्रकार से इनकी प्रवृत्ति होती है, तो उसी पर जो आपका कुआ है उसके पानी की पीएच निर्भर करेगी। तो इसीलिए हर कुएं की जो पीएच होती है वो अलग अलग होती है। इस चीज का ध्यान रखना, तो उसका प्रभाव यही पड़ता है कि विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की
मतलब ये को s + i में की प्रवृत्ति क्या होगी, लेकिन होती है और इसी कारण से क्या नाम से ph का मान होता है वो क्या होता है परिवर्तित होता है, क्योंकि ph मान ऊपर हाइड्रोजन से नहीं हाइड्रोजन के ऊपर ही बेस बेस जो होता है s + i में से कम तो क्षारीय है और s + i में से ज्यादा तो आपके विलयन कैसा होगा बेटा जी अम्लीय होगा, कैसा होगा आपका विलयन अम्लीय विलयन आपके वो होगा। ठीक है देखिए मतलब पीएच में अगर हम जो है आपके जो है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, अब मृदा पीएच में जो मुख्य परिवर्तन होंगे वो हम यहां पर पढ़ेंगे। इसमें लिखो मृदा परिवर्तन परिवर्तन करने वाले मृदा परिवर्तन करने वाले कारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है आपके दो भागों के अंदर इनको विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया ठीक है। इसमें पहला लिखिए अम्ल उत्पादक कारक, फर्स्ट जो इसमें है वो है अम्ल उत्पादक कारक। अब ऐसे पदार्थ जो क्या नाम से अम्ल अम्लीय पदार्थ को क्या करते हैं बनाते हैं या अम्लीय पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अम्ल उत्पादक कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो अम्ल उत्पादक कारक आपके कहलाते हैं। तो इसमें लिखिए कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। विच्छेदन के प्रक्रम में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है इसलिए कार्बनिक पदार्थों के लाइन चेंज करके कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर कार्बोनिल या कार्बोनिक अम्ल
कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण का निर्माण करती है इसके वियोजन के फलस्वरूप H प्लस आयन N प्लस आयन बनते हैं। इसके वियोजन के फलस्वरूप N प्लस आयन बनते हैं जो मृदा पीएच को घटाते हैं अब जैसे देखिए बेटा जी, ये कहता है कि अम्ल उत्पादक कारक वे कारक जो अम्लों का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल उत्पादक कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कार्बनिक पदार्थों के विचलन के प्रिंसिपल को आपके क्या बनते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थ आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया बड़ा सा आप लोगों को। तो ये कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों के विचलन फिर क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होगा तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और आपके वो जल से अभिक्रिया करेगी। किससे अभिक्रिया करेगी, जल से। अब जल कहाँ होगा आपका, मृदा में। कहाँ होगा, मृदा के अंदर उपस्थित होगा। तो ये किसका निर्माण करेगी, फिर आपके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। और ये जो कार्बनिक जो अम्ल है ये फिर वियोजित होकर क्या बनाएगा, आपके एच प्लस आयन बनाता है। क्या बनाता है, एच प्लस आयन बनाता है। तो इसके फलस्वरूप आपकी जो मृदा का पीएच जो है वो क्या हो रहा है, घटता है। मृदा का पीएच क्या हो रहा है, घटेगा। तो क्या होगी, मृदा अम्लीय अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। देखो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, जिस प्रकार से आपके CO2 है ये किससे अभिक्रिया कर रही है, आपके जल से। किससे अभिक्रिया कर रही है, जल से। तो आपके इसका निर्माण हो रहा है आपके यहाँ पर आपके H2CO3 जिसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, इसका निर्माण होता है। फिर क्या होगा, कार्बनिक अम्ल का विच्छेदन क्या होगा, विच्छेदन होगा। तो इसके फलस्वरूप 2H plus ion plus CO3 2 minus आपके बनता है। तो ये जो H plus जो ion है ये बनता है, ये क्या से होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो क्या होता है आपके लिए, मान लीजिए किसी किसी मृदा की pH कितनी है, 7.2 है। तो इसकी pH को ये क्या नाम से आपके 6.5 तक भी ला सकते हैं। तो pH का वही आपकी घट रही है, pH क्या हो रही है, घट रही है। तो ये आपकी घटेगी, ये एग्जाम्पल बता दो, ये एग्जाम्पल बता दो। चलिए बड़े आगे लिखिए, अम्ल उत्पादक कारक आपके कंप्लीट है। दूसरा लिखो भस्म उत्पादक कारक। अब बेटा देखिए, ऐसे कारक
वह प्रक्रम, इसमें लिखिए वह प्रक्रम जो मृदा में भस्मों जैसे C2+ Mg2+ K+ तथा Na+ के निर्माण या Na+ का निर्माण Na+ का निर्माण करती है इनके द्वारा या ऐसे लिख लो कि जो मृदा अम्लीयता को कम करते हैं तथा पीएच मान में वृद्धि करते हैं क्या है कि वह प्रक्रम जो अब ऐसे प्रक्रम जिनके द्वारा आपके क्या नाम से यहाँ पर कैल्शियम आयन, आपके मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन इस प्रकार के आयनों को क्या किया जाता है बेटा जी, निर्माण किया जाता है। और निर्माण होने के बाद में जो आपके ये जो कारक जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जो है ये क्या करेंगे कि जो मृदा के जो कण है निकल जाएगा जिसके कारण आपकी जो मृदा जो है उसके अंदर क्षारीय प्रवृत्ति धारण करती है। क्या धारण करती है? क्षारीय प्रवृत्ति को धारण करती है भैया। इसके अंदर ये था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पीएच को प्रभावित करने वाले कारक,
बेहतर बना लिया आप लोगों ने। अब देखिए भाई, आपको मेरे पहले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको पेपर का बताया थे, हो सकता है आप इस बीच भूल गए हो, तो देखो कि पेपर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जहां से या जिनसे आपके मृदाओं का निर्माण होता है, जिन पदार्थों से मृदाओं का निर्माण होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, पेपर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपकी कोई चट्टान है, क्या है भाई, आपकी कोई चट्टान जो है, अब वो चट्टान टूट रही है और टूट करके आपके किस क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है, मृदा में परिवर्तित हो रही है, और मृदा में परिवर्तित हो गई, बट उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ थे या कौन कौन से खनिज थे या कौन कौन से तत्व थे, उनके ऊपर ही उसकी जो अम्लता है, क्षारीयता है, वो ही उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो वही क्या कहलाते हैं, पेतर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप ये तो समझ रहे होंगे, एक बार मैं बोल देता हूँ कि जिस प्रकार से पहले देखिए कि हम लोग इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स जो है जानवर हो चाहे इंसान हो, इन सभी के माता पिता जो होते हैं, होते ही होते हैं। तो कहा जाता है कि पेतर पदार्थ जो है, मतलब पेतर पदार्थ मतलब माता पिता से सतह पर
एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं तथा तथा उनका स्थान तथा उनका स्थान अम्लीय तत्व H+ आयन ले लेते हैं। अतः pH मान कम हो जाता है, अतः pH मान कम हो जाता है। तो देखिए बेटा जी, पहले का तात्पर्य क्या था कि जिस प्रकार से बेटा जी कभी वर्षा होती है तो वर्षा के जल के कारण जो मृदा में जो उपस्थित जो क्षारीय तत्व जो है, क्या है क्षारीय तत्व जो है, वो आपकी मृदा की सतह पर क्या होंगे, मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। कहां से निकल के आपके जो मृदा जो है यहां से निकल के वो इसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। अब इसकी सतह पर एकत्रित होने के बाद में बचा कौन नीचे इसके अम्लीय तत्व, कौन बचे अम्लीय तत्व बचे। तो जैसे H+ आयन में होंगे तो H+ आयन जो है वो क्षारीय तत्व का स्थान ले लेंगे और वो मृदा किस में जाएगी आपके अम्लीय, किस में जाएगी अम्लीय। तो भैया ये अवक्षेपण भी इसका क्या होता है कारण बनता है, pH मान परिवर्तित कर देगा। नेक्स्ट ये कार्बनिक पदार्थों का विघटन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब कार्बनिक पदार्थों का जो विघटन भी होगा बेटा जी वो मृदा के pH को प्रभावित करता है। कैसे करता है, इसके लिए कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होती है। अभी दिखाया था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है जो जल से अभिक्रिया कर H2CO3 का निर्माण करती है जिसके फलस्वरूप H2CO3 के विघटन से H+ आयन मुक्त होते हैं और ये मृदा पीएच को घटाते हैं मैंने भी आपको इसका वर्णन किया था, आपको समझाया था, क्या समझाया था कि आपके जब कार्बनिक पदार्थ होगी या मैं कहूँ कि जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं इनके अपघटन के फलस्वरूप आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, अब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ तो जिससे कार्बनिक पदार्थ आगे क्या होगा अपघटित होंगे, कार्बनिक पदार्थ अपघटित होंगे तो इनके अपघटन के फलस्वरूप आपके क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण होने से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मृदा में उपस्थित जो जल है इससे क्या करेगी अभिक्रिया करेगी, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप इससे H2CO3 का निर्माण होगा और जो H2CO3 का निर्माण हो गया तो इसके निर्माण के पश्चात जो आपके H2CO3 है ये क्या करेगा विघटित होगा और विघटित होने के बाद इसमें से H+ आयन आपके पास निकलेंगे और आपके CO3 2- आयन
अम्लीयता में वृद्धि होगी अर्थात उसकी पीएच मान में कमी होगी। ये चीज मैंने अभी अभी वर्णन करके बताया, आपके रिएक्शन में मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मूल वनस्पति, मूल वनस्पति। आप बेटा ये देखो मूल वनस्पति, मूल वनस्पति भी जो है आपके जो पीएच जो है इसके मान को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हैं क्या? धन्यवाद। चलो मोटरी दूंगा बेटा, मोटरी बेटा भी आप एक बार बड़े सुंदर करूंगा दोबारा करते हो क्योंकि आप नेटवर्क जो है कमजोर है, ठीक है। भैया जी जिसको भी दिखाई नहीं दे रहा है वो एक बार अपना नेट अपना नेट डिस्कनेक्ट कर लो और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको वापस कर दो। हाँ बेटा जी आपने जो कैमरा लिया है बेटा जी जूम होता है, जूम करके देखो, जूम भी होता है बेटा जी आपका कैमरा, जूम करके देखो। चलिए आगे की चीज में मूल वनस्पति में जंगली, मेरे को एक गाना याद है जंगली से, कौन सा गाना? जंगल जंगल तो पता चला है, ठीक है। तो बेटा जी जंगली वनस्पति से निर्मित वनस्पतियों से निर्मित, तो जंगली वनस्पतियां कहाँ मिलेगी बेटे? जंगलों में कहाँ मिलेगी? जंगलों में रोगली हो या गजरा भी है। जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा खासों द्वारा मृदा घासों द्वारा जंगली वनस्पतियों से निर्मित मृदा घासों द्वारा निर्मित मृदा घासों द्वारा निर्मित मृदा देखो बेटा जिसके अंदर दो लाइनें आ गई है, थोड़ी देर समझाऊंगा उसको, एक बार समझा कि जलीय वनस्पतियों से निर्मित मृदा घासों द्वारा निर्मित मृदा से अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय होती है, अधिक अम्लीय होती है। अब ध्यान देना बेटा ये क्या है, इसमें दो चीज है, एक तो है आपके जंगली वनस्पतियां, क्या है आपके? एक तो जंगली वनस्पतियां, देखो एक तो जंगली वनस्पतियां है आपके और एक घास है, क्या है आपके? घास है। दोनों एक शब्द हो गए कि इसमें क्या होगा, जंगली वनस्पतियों से निर्मित जो मृदा है वो क्या नाम से, घासों द्वारा निर्मित जो मृदा है उससे अधिक अम्लीय होती है। मतलब जंगली वनस्पतियां क्या होती है, जिस मृदा का निर्माण करेगी वो कैसे होगी, ज्यादा अम्लीय है, जबकि आपकी जो घास जो है ये किसका निर्माण करेगी, आपकी ह्यूमस का मृदा का निर्माण करेगी, तो ये क्या होगी, कम अम्लीय होगी। क्या होगी ये? कम अम्लीय होगी। मतलब मोस्ट अम्लीय कौन होगी आपकी? जंगली मृदा। क्या होगी आपकी जंगली मृदा? क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर एक प्लस आयन रिएक्शन का बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा क्या होगी, अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट पांचवाली जो फसल की प्रकृति, अच्छा नीचे लिख रहा क्या, चलो ऊपर चलते हैं।
पीएच कम करती है, पीएच कम करती है। आप देखिए बेटा जी, यदि मान लीजिए आपके कोई फसल जो उगी हुई है या आपके जो खेत जो है मान लीजिए उसकी टेस्टिंग आपने करवाई थी वो सारी है हो चुकी है, कैसे हो चुकी है उसकी फसल पहले सारी हो चुकी है, मतलब उसके अंदर कोई भी जो वनस्पति आपके उग नहीं रही, तो क्या करोगे उस मृदा में आप लोग क्या लगाओगे, दलहन ही फसल या दलहन ही फसल उसके अंदर बोओगे तो क्या होगा, इस मृदा की जो पीएच जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी और आपकी ये मृदा किसके अंदर आ जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अम्लीय होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके उस मृदा में फिर आपके आपके फसल जो है आप दूसरों को जो गेहूं की फसल जो है और भी दूसरी फसलें जब होती है वो फसलें सभी आपको सकते हो, आपका काम हो जाएगा।